खबर इटावा से है, जहां पर हापुड़ में पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे काफी संख्या में अधिवक्ता घायल हुए, जिसको लेकर सभी अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में डीजीपी प्रमुख और सचिव का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस घटना में पीड़ित अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के आदेशानुसार बार एसोसिएशन इटावा के ब्रजेश कुमार दुबे, एडवोकेट महामंत्री राजेश कुमार यादव तथा सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, एडवोकेट महामंत्री राजेश कुमार राजपूत के नेतृत्व में जनपद के समस्त अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल की है। हड़ताल का दूसरा दिन था, सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसमें मुख्य रूप से अरविंद प्रताप सिंह, गुरु प्रसाद द्विवेदी, सत्येंद्र यादव आदि कई अधिवक्ता मौजूद रहे। किस तरीके का आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कचहरी में? हमने इस वजह से किया, जो हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा भर भर लाठीचार्ज, जो महिला के साथ जो उत्पीड़न वहाँ पर किया गया था सिपाही द्वारा, उसके खिलाफ कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। और हमारी जो बार काउंसिल के द्वारा जो अधिवक्ता वहाँ के संबंध में जो मांगे मांग नहीं हुई थी, एक भी कोई शासन ने कोई मांग नहीं मानी, और न कोई SIT जांच में बार काउंसिल कोई मेंबर्स या उपाध्यक्ष वगैरह नहीं किए, न कोई अभी तक रुपये जो घायल अधिवक्ता थे उनको कोई मदद नहीं की गई, ना वहाँ से किसी का ट्रांसफर किया गया। इस वजह से बार काउंसिल का जो भी निर्देश होगा हम अच्छर सा पालन करने के लिए तैयार। किसका पुतला था? यहाँ DGP महोदय का और उनका मुख्य सचिव का। क्या सरकार अधिवक्ता किस समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही अधिवक्ताओं? अब जो अधिकार दबाव में है सरकार की, ये तो ये शासन जो है प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, नहीं मान रहे, इनका प्रशासन इनकी सुन नहीं रहा है लगता है, सरकार शासन की बात, शासन की तो कोई हिम्मत नहीं है कि जो प्रशासन न सुने, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दालमेल काला है कुछ ना कुछ, इस वजह से प्रशासन पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है प्रशासन। क्या फिर सर पुलिस के निरंकुश हो गई उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल बिल्कुल, जब अधिवक्ताओं की नहीं सुनी जा रही तो आम पब्लिक की क्या सुनी जा रही होगी, ये आप सोच लीजिए। जब मुख्यालय, हर मुख्यालय ऐसा जिला नहीं है जहाँ मुख्यालय पे ऐसी परिस्थितियाँ न बनी हो, ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न और की जा सकती हैं? तो कहीं ना कहीं इनको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा, लेना चाहिए। ठीक है, जुर्म हुआ था उस लाठीचार्ज में, चोटें आई हैं महिलाओं के ऊपर, लाठीचार्ज किए गए हैं और वकीलों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसी के संदर्भ में हम लोग हड़ताल पर हैं। तो फिर ये पुतला फूंका है, आप महिला अधिवक्ता किस तरह का इसमें आंदोलन जारी रखने के लिए और किस तरह की मांग चाह रहे हैं? मांग हमारी ये है कि 50-50 लाख जो घायल हुए उन सबको मुआवजा दिया जाए और कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।